मरला जिले की नैनपुर तहसील के थावर पुल टूट जाने से जहां लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस पुल ने जन प्रतिनिधियों के साथ ही शासन प्रशासन की लापरवाही की पोल भी खोल दी है। बीते हफ्ते हुए लगातार बारिश से नैनपुर में थावर नदी का पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जहाँ अब पुल की मरम्मत करना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मंडला जिले को शिवनी बालाघाट और महाराष्ट्र से जोड़ने वाले नैनपुर के थावर पुल का जहां 3 दिन तो संपर्क पूरी तरह से टूटा रहा, इसके बाद भी इस पुल की मरम्मत नहीं हो पाई। लोगों को तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का फेरा लगाकर नैनपुर आने जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि यह बताने को तैयार नहीं कि ये हालात कब तक बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि यह पुल सिर्फ इसी बरसात में डूबा हो, हर साल यहां मार्ग अवरुद्ध होता रहा है। इसे देखते हुए नए पुल निर्माण की स्वीकृति भी हुई और कछुआ चाल से बन रहा पुल 2 सीजन निकल जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। नया निर्माण कार्य जितना आवश्यक है उतना ही धीरे शासन की अनदेखी का नजारा पेश करता है। इन परेशानियों का सामना उसी जनता को करना पड़ता है टैक्स से ये तमाम निर्माण और विकास कार्य होते हैं। हालांकि इस बुजुर्ग और जर्जर हो चुके पुल को फिर से जोड़ तोड़ कर एक बार फिर से आवागमन के लायक बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसकी मजबूती पर लगे प्रश्न चिन्ह के बाद भी लोग यहां से खतरों के बीच जाने कब तक आने जाने को मजबूर होंगे, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यही एक पुल है जो लोगों के आने जाने के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। देखना है कि प्रशासन कब तक यहां के लोगों की इच्छाओं के अनुसार इस पुल का निर्माण कितनी तीव्रता से कराता है, यह वक्त और समय ही बताएगा। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़ी की एक खास रिपोर्ट। विगत 14 अगस्त को नैनपुर का थावर पुल जो 3 दिनों की बारिश से लगातार पानी गिरने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जहां पर 15 अगस्त को मंडला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने निरीक्षण किया था, उस दिन के बाद से आज लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। पुल निर्माण क्षतिग्रस्त जो हुआ था उस पुल का निर्माण की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश शासन या संबंधित विभाग के द्वारा बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, जिससे नैनपुर ही नहीं हुए लगभग 50 गांव के लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य और व्यापार को लेकर लोग लगातार बुरी तरह से परेशान हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से स्कूल भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, सही तरीके से लोगों का व्यापार नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य लाभ लोगों को जिनको लेना अस्पताल जिनको जरूरी जाना है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से यही निवेदन है कि थावर के इस जर्जर पुल को जो क्षतिग्रस्त हो चुका है इसे पूरी तरह से जल्द निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो भारी असुविधा हो रही है उससे मुक्ति मिल सके और जल्द यहाँ के लोगों का जीवन सही रूप से सुचारू रूप से चल सके। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़ी की रिपोर्ट। कैसे लड़का बच्चा ऑटो में इतने अलग पैदल अलग आज जा रहे हैं, इतने अलग ला रहे हैं, तो जा रहे हैं। किस परेशानी और किस किस चीज़ की परेशानी है आपकी? परेशानी हमें आने जाने की बहुत परेशानी। अच्छा, हम तो जी लापरवाही चल रहा है जी। अरे हम जी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बनना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य मतलब अंधकार ना हो। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ लड़का बच्चन की जा रही है, नैनपुर जो एडमिशन करा के बैठे हैं हम, अभी स्कूल बंद है उनका, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई माई बाप ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो पल की वजह से देखो ना सर, तो कितने दिनों से परेशानी हो रही है आपको? ये तो 8 दिन होने लगे सर, पैदल कर रहे हैं वही तो, इसकी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें। सही में क्या बोलता है, बोर भी चल रहा है जो मजबूरी मोटरसाइकिल से हम पैदल चल के नकवा रहे, अगला अभी ये रिटर्न होगा अगला, इसके बाद व्यापार से हम गाड़ी लेकर अपने। कितने गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं? बहुत ज्यादा, 18 से 20, 26 50 भी क्यों कम कर, 26 गांव तो हमारी राजपूती है, कितनी दिक्कत पड़ो। स्कूल की भी परेशानी है, बच्चों की परेशानी, किसान की परेशानी, सभी तो परेशानी। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं प्रशासन से? ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने 50 गांव पंचायत, मेरे हिसाब से 30 पंचायत, 30 से 35 पंचायत के यहाँ पर मतलब दिक्कत है। और सबसे ज्यादा बच्चों की, स्कूली बच्चों की दिक्कत। अधिकारी और हम जो डिवीजन ऑफिस छिंदवाड़ा है सबके नज़र है इसमें, सब ध्यान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये स्टेट हाईवे होने की वजह से क्या है सबकी निगाह है कि काम जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी टीम जो है बिल्कुल लगातार काम कर रही है, और ये कॉन्क्रीट वर्क होने की वजह से इसको बिल्कुल नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक हम काम करेंगे,
और कॉन्क्रीट को जितना भी समय चाहिए क्यूरिंग वर्क के लिए उतना देना पड़ेगा ताकि काम अपना अच्छा हो। तो कम से कम सर इसमें यानी एक महीने का समय कॉन्क्रीट में लग ही जाता है, क्योंकि 28 दिन तक अपन क्यूरिंग वर्क करते हैं, 15 दिन तक तो कंटिन्यू करना पड़ता है अपने को ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। एक मानती नहीं, फिर भी उनको सबको समझाते हुए हम काम कर रहे हैं। तो सर एक महीने के अंदर हो जाएगा, कम से कम 25-30 दिन तो लग जाएंगे सर पूरा वर्क कंप्लीट होने में। अच्छा। दो पहिया तो चालू है सर, अभी भी चालू है, आप देख रहे हैं, दो पहिया वाहन तो चालू है, वर्किंग पीरियड में भी चल रहे हैं, मना करने बाद भी चल रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन बाद अपन जो लाइट व्हीकल जो है उनको अपन ट्राई करेंगे अपन।